नमस्कार, मैं डॉक्टर शिखा गुप्ता पिछले 20 वर्षों से प्राकृतिक चिकित्सा पर काम कर रही हूँ। मैं अपने सारे सीनियर नेचुरोपैथ को एड्रेस करना चाहती हूँ कि वो सारे इस कोविड-19 क्राइसिस में सारे लोग आगे आएं, और एक यही एक समय है जिसपे हम बहुत सारा रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा समय है ये कि जहाँ पर बहुत ज़रूरी है रिसर्च की जाए, क्योंकि जब हम किसी चीज़ की दवा बना लेते हैं तो शायद वो हमारे बेसिक गाइडलाइन से ऊपर चला जाता है। जैसे नेचुरोपैथी मैं हमेशा कहती हूँ कि फर्स्ट एड की तरह फॉलो करना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि आयुष मिनिस्ट्री ने आज जो कोविड-19 क्राइसिस की गाइडलाइन बनाई है इम्यूनिटी इन्हांस करने के लिए, वो सबसे पहले रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर पे इफेक्ट करता है। मैंने वो देखी तो एकदम मैं शॉक्ड, क्योंकि ये गाइडलाइन तो मैं कब से फॉलो कर रही हूँ। जितने भी पेशेंट, लगभग 20% केसेस हमारे पास रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के आते हैं, छोटे छोटे बच्चों से लेकर के बड़े तक। सबसे पहले इन्फेक्शन एंटी एलर्जिक दवाएं खाएंगे या सिरप पिएंगे, जब बहुत ज़्यादा वो एडिक्ट हो चुके होंगे तो उनको इन्हेलर पे डाल दिया जाएगा। उसके बाद भी जब इन्हेलर भी काम करना बंद कर देगा तब वो नेचुरोपैथी ढूंढते हैं और हमारे पास आते हैं। और उस केस में जो नेचुरोपैथी करती है या मैं पर्सनली जो भी ट्रीटमेंट दे रही थी, सारी की सारी वो आयुष मिनिस्ट्री की गाइडलाइन में है। लाइक हम उन्हें गर्म पानी पिलाते हैं, हम उन्हें स्टीम दिलाते हैं, हम उन्हें नासिया थेरेपी कराते हैं, मतलब ऑयल ड्रॉप डलवाते हैं नाक के अंदर, हम उन्हें प्राणायाम कराने को कहते हैं, हम उन्हें अल्कलाइन फूड पर रखते हैं। तो ये सारी गाइडलाइन प्लस साथ में हम नेचुरोपैथी में जो कर रहे थे वो भी मैं शेयर करना चाहूँगी कि मैं हॉट फूड बाथ देते हैं हम लोग इस टाइम पे, जिससे जितना भी कंजेशन सफोकेशन है वो हमारा वैसो डायलेशन के थ्रू पैरों की तरफ चला जाए और पेशेंट को रिलीफ फील हो, और तब हम उसका चेस्ट पे और बैक पे हॉट फोमेंटेशन करके थोड़ी सी मसाज करके उसको छोड़ देते हैं, जिससे उसको रिलीफ आता है। तो इस तरीके से अगर हम इन पे रिसर्च करें तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि अगर इसकी दवा बहुत जल्दी बन गई, मैं चाहूँगी कि बन भी जाए, और मैं नहीं भी चाहूँगी कि बन जाए, क्योंकि इसके बाद एक इम्यून सिस्टम और सप्रेस होता चला जाएगा, क्योंकि हम ऐसा ही करते आए हैं। कोई भी डॉक्टर इनिशियल स्टेज में नहीं लिखता कि क्या डाइट होनी चाहिए, क्या लाइफस्टाइल होना चाहिए, और एक बच्चे से लेकर बड़ा तक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से क्रॉनिक एस्थमेटिक पेशेंट बन जाता है, और तब हम नेचुरोपैथ उस एस्थमा को ठीक कर ले जाते हैं। पर आज की डेट में कोई आगे नहीं आ रहा, या आयुष मिनिस्ट्री या गवर्नमेंट इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है कि अगर हम इसकी मेडिसिन बनाने में सक्षम हैं तो पहले हम साथ में पैरेलली इसको भी साथ में रिसर्च में डालें। और हम इतने सारे वॉलंटियर्स नेचुरोपैथ हैं, सीनियर नेचुरोपैथ हैं, और रनिंग हमारे बराबर के नेचुरोपैथ हैं जो कि आगे आएंगे इन सब काम को करने के लिए, क्योंकि इस समय रेस्पिरेटरी सिस्टम का इम्यूनिटी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को और ग्रेविटी लाएं, साथ दें। थैंक यू।